हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अ सब्जेक्ट ऑफ कॉपरेट अकाउंटिंग आई एम प्रोफेसर रितेश जग्गी एंड आई विल बी टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट सो जैसे आपको पता है आपका एस वाई बी कॉम का जो पोर्शन है वो चेंज हो चुका है सेमेस्टर पैटर्न हो गया है सो सेम नंबर वन में यूनिट फोर यूनिट्स है आपका और सेम नंबर टू में फोर यूनिट से सो स्पेसिफिकली उसमें क्या क्या हम कवरेज करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे सो कोर सब्जेक्ट कोर्स टू सब्जेक्ट है आपका कॉपरेट अकाउंटिंग कॉपरेट मतलब कंपनी सो कंपनी रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे प्रीएम्बल इन द मॉडर्न इकोनॉमिक एनवायरनमेंट द कॉपरेट सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू वर्स जी ऑफ एनी कंट्री सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये हर एक सेक्टर से होता है सो so, वो सेक्टर में कॉपरेट सेक्टर जो कंपनी सेक्टर से जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हाई है

और जो इंडिया की कंपनीज है जैसे इन्फोसिस विप्रो इन्होंने ग्लोबली भी अपने ऑफिसज बनाए इन लास्ट डेकेट द कॉपोरेट सेक्टर हैज़ बीन अ मैसिव ग्रोथ इन इकोनॉमिक टर्म्स दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टर्न ओवर वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है टर्न ओवर बढ़ाए इनकम बढ़े एक्सपेंसिस भी बढ़े एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब जैसे मैंने आपको बोला इन्फोसिस विप्रो रिलायंस जैसी कंपनी ने ऑल ओवर द ग्लोब अपने बिजनेस स्टार्ट किए अकाउंटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड टू एंश्योर सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड द सोसाइटी सब जो भी स्टेक होल्डर्स है जैसे शेयर होल्डर्स कस्टमर्स सोसाइटी गवर्नमेंट इनके लिए उन्होंने काम किया है इट इज़ देर फॉर इम्पोर्टेंट टू एडुकेट द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो company, corporate जो कंपनी कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसीज़ फॉलो करते उसका पता होना स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आगे जाके आप जॉब करोगे सो आपको पता होना चाहिए कॉपरेट कल्चर कैसा है वहाँ पे अकाउंटिंग कैसी की जाती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स नंबर वन टू एक्वेंट द स्टूडेंट विथ नॉलेज अबाउट वेरियस कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव इन एप्लीकेबिलिटी सो जो कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेबिलिटी है वो सब पता होना एंड इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसोसिएटेड टू कॉपरेट अकाउंटिंग to develop understanding among the student on difference between जब देखो कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी को दो सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है टू अपडेट द स्टूडेंट विद नॉलेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट सो पहले जॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती थी हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे डेबिट क्रेडिट लाइबिलिटीज एसेट अब वैसा नहीं रहा अब एक वर्टिकल फॉर्मेट आया है शेड्यूल थ्री में जो कंपनीज एक्ट रिसेंटली जो अनैक्ट हुई कंपनीज एक्ट 2013 में वो दिया गया है सो so वो भी उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे टू एम्पावर टू स्टूडेंट विथ स्किल टू इंटरप्रिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिम्पल एंड समरइज मैनर फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे ये अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प होगा वो

कभी कभी देखो बच्चों क्या होता है बिज़नेस जो है सर्टिफिकेट मिलने से पहले हम स्टार्ट करते कुछ एक स्मॉल स्केल पे और सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद में मिलते कंपनी का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है प्रमोशन स्टेज उसमें कुछ एक लोग प्रमोटर्स लोग साथ में आते हैं और वो आइडिया करते कि हमको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए सो वो होने के बाद वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं सो रजिस्ट्रार उन सब डॉक्यूमेंट्स को देखता है चेक करता है अगर वो वैलिड है एडिकुएट है सफिशियंट है कम्प्लीट है तो उनको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकोऑपरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सो उस टाइम तक जब बिजनेस आपने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया और जब आपको सर्टिफिकेट मिला उस टाइम तक का जो प्रॉफिट हुआ वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं टू अपडेट द स्टूडेंट विथ नॉलेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल थ्री सो शेड्यूल थ्री के हिसाब से कैसा आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टू एम्पावर स्टूडेंट विथ स्किल टू इंटरप्रिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड समरइज्ड मैनर फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे लेंगे वो इस यहाँ पे हम देखेंगे डेप्थ ऑफ प्रोग्राम सो फंडामेंटल नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए यूनिट नंबर वन हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक सेट प्रिंसिपल से जो आई सी आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करते हैं वो क्यों इशू करते ताकि यूनिफॉर्मिटी हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो कम्पेरिजन ईजीली हो सो उसके लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं सो हम इसमें कंटेंट्स में देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव जो कि है नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ए एस टेन जो कि है फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके कैसे अकाउंटिंग होगा वो एस टेन में देखेंगे ए एस फोटीन अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस एंड एस ट्वेंटी वन अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ये हमको देखना है इट्स एप्लीकेबिलिटी विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हर एक एस का कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है वो देखेंगे डेवलप्ड यूनिट वन पढ़ने के बाद आपका ये होना ज़रूरी है टू डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे उसका आपको एक डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन कॉपोरेट अकाउंटिंग और कॉपोरेट कंपनी की अकाउंटिंग में कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी फिर उसके बाद सेकेंड जो हम करेंगे वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉपरेशन जैसे मैंने आपको बोला प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉपरेशन मतलब सर्टिफिकेट मिलने से पहले और उसके बाद में कैसे हम दोनों के जो एक्सपेंसेस है जो रेवेन्यू है उनको बायफर्ट करेंगे वो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस ऑफ इनकॉपोरेशन ऑफ कंपनी इनकॉपरेशन का सबसे पहला स्टेज जो होता है वो है प्रमोशन उसमें प्रमोटर्स सब साथ में आके आगे बिजनेस क्या करना है हमको कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है ये डिसाइड करते हैं सो वो उसके बाद इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिलने तक का जो टाइम है उसमें अगर कंपनी ने कोई बिजनेस किया सो वो कैसे अकाउंट करना है वो डिफरेंस बिटवीन इनकॉपरेशन कमेंसमेंट ऑफ़ अ कंपनी अकाउंटिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसिस ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंकॉपरेशन पीरियड सो जो इनकम है जो एक्सपेंसिज़ है वो प्री इनकॉपरेशन और पोस्ट इनकॉपरेशन में आप कैसे एलोकेट करोगे कैसे बायफर्केट करोगे वो बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड अप हर एक का एक एक बेस है फॉर एग्जाम्पल सैलरी हम टाइमली बेस पर देते हैं सो वो टाइम रेशियो प्रोफिट रेशियो आगे जाके आपको ये सब क्लियर होगा सिंपल है ज़्यादा टफ नहीं है बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉपरेशन पीरियड सो प्री इनकॉपरेशन एंड पोस्ट इनकॉपरेशन के लिए सो so ये जब हम यूनिट टू पढ़ लेंगे तो आपको एक कंसेपचुअल नॉलेज किस बारे में आएगी टू डेवलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्री एंड पोस्ट इनकॉपरेशन पीरियड प्री मतलब पहले पोस्ट मतलब बाद में सो प्री इनकॉपरेशन एंड पोस्ट इनकॉपरेशन पीरियड का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपकी टू डेवलप एनालिटिकल स्किल एक एनालिटिकल स्किल आएगी बाय अंडरस्टैंडिंग द एलोकेशन एंड अपॉशनमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉपरेशन प्री इनकॉपेशन पोस्ट इनकॉपरेशन के लिए जो है एक अंडरस्टैंडिंग आई कैसे एक रेशियो बनाना है और वो आइटम को सैलरी हो या फिर एक स्पेसिफिक जो एक्सपेंस हो जो रेवेन्यू हो उसको वो रेशियो में डिवाइड करना है वैसे नेक्स्ट है कंपनी फाइनल अकाउंट सो कंपनी फाइनल अकाउंट में शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से हमको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा उसमें कंपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट फॉर्म्स एंड कंटेंट्स एज़ पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल थ्री सो पहले हम जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे वो नहीं अब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल है और वो शेड्यूल थ्री में आपको बनानी है ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन विथ अमेंडमेंट्स विथ रिलेवेंट एकेडमिक ईयर जो एकेडमिक ईयर हर एक इसमें अमेंडमेंट हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है अमेंडमेंट मतलब क्या चेंजेस उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं सो वो इसमें हम देखेंगे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंड द ट्रीटमेंट सो पहले भी आपने अकाउंटिंग की उसमें हमको जो जो एडजस्टमेंट्स आते हैं वो शेड्यूल थ्री में भी आएंगे बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ वेरियस एडजस्टमेंट सो so, जो एडजस्टमेंट है अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कैसी होगी वो टू अंडरस्टैंड रिवाइज फॉर्मेट कंपनी फाइनल अकाउंट सो कंपनी फाइनल अकाउंट का जो रिवाइज फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए वो देखेंगे फिर जो हमारा यूनिट नंबर फोर लास्ट यूनिट होगा वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर उसमें कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन अब शेयर्स तो आपको पता है कंपनी का ओन्ड कैपिटल होता है सो so, उनकी वैल्यूएशन कैसा है क्योंकि शेयर्स जिन्होंने लिया उनको रिटर्न डिविडेंड तो हम देते हैं बट उनका वैल्यूएशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए ये यूनिट फोर आपको सिलेबस में दिया गया है कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन नीड फॉर वैल्यूएशन स्पेशल फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो एक अलग अलग फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इफेक्ट करते हैं वो मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन मेनली थ्री मैथड्स है नेट एसेट मैथड य्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड बेसिकली ये जो चैप्टर था ये लास्ट ईयर तक आपको सेकेंड टर्म में हुआ करता था ये अभी फोर्थ में वैल्यूएशन ऑफ शेयर उन्होंने फर्स्ट सेम में लिया और जो फर्स्ट सेम का आपका लिक्विडेशन था वो उन्होंने सेकेंड सेम में शिफ्ट किया सो so, यहाँ का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड नीड्स ऑफ वैल्युएशन ऑफ शेयर्स टू अंडरस्टैंड द मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ सो जो वैलुएशन करोगे आप शेयर का उसका मेथड क्या होना चाहिए कैसे उनको उनकी वैल्यू का पता होना चाहिए शेयर होल्डर का वो हम इसमें देखेंगे सो so, ये था आपका इंट्रोडक्शन और बेसिकली जो आपके बुक्स से बुक्स एस वाई बी कॉम और एस वाई बी भी है जो पोर्शन चेंज हो गया है वो बुक्स अराउंड ट्वेंटी जुलाई को ट्वेंटी जुलाई से मार्केट में अवेलेबल होगी ऐसे उनका बोलना है सो so, देखते हैं कब हम स्टार्ट करेंगे ओके होप एवरी थिंग इज़ क्लियर अबाउट द कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन थैंक यू वेरी मच अ नाइस डे